ओके गाइस, उस क्वेश्चन को देखो, डायरेक्ट फॉर्मूले पे बेस्ड है क्वेश्चन। फॉर्मूला ये वाला लगेगा, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। ये वाला इसलिए लगेगा क्योंकि जो आर होगा वो वन से बड़ा होगा। अगर आर वन से छोटा होता तो हम लिखते वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ठीक है, आर वन से बड़ा होगा, क्यों होगा? आर कैसे निकालते हैं? कोई भी दो नंबर ले लो, उसका फाइनल अपॉन इन प्रीवियस करो तो फोर अपॉन वन फोर ही होगा। तो आर की वैल्यू मिल गई हमें फोर। ए यानी कि फर्स्ट टर्म जो कि है वन, सम दे रखा है 341, तो एस एन की वैल्यू 341। हमें सिर्फ एन की वैल्यू निकालनी है, नंबर ऑफ टर्म्स। तो इस फॉर्मूले में डाल दो सारी चीजें, 341 इज इक्वल टू वन फोर की पावर एन माइनस वन अपॉन थ्री। फोर माइनस वन थ्री कर दिया, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दो, 341 इंटू थ्री, 341 इंटू थ्री इज इक्वल टू फोर एन माइनस वन। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आर की वैल्यू निकालो जल्दी से। अब देखो, कैलकुलेट करना सीखो। ये मैंने सॉल्व कर दिया, ये वन को उधर भेज दिया तो बना 1024, और ये टू फोर को मैंने टू की स्क्वायर लिख दिया तो टू की पावर टू एन हो गया। तो इसको भी टू की पावर में लिखना होगा क्योंकि टू की पावर टू एन है, तो ये टू की पावर में होगा। तो टू की पावर 1024 होता है टू की पावर 10 इज इक्वल टू टू की पावर टू एन, यानी 10 इज इक्वल टू टू एन को कंपेयर कर दो, तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी 5, जो कि आपका आंसर।